वीडियो में हम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 15 नंबर तक मैंने डिस्कस कर दिया था, 16 से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सोनी मैम के बुक का सारा सिनोनिम एंटोनिम है, और ये सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया, जितना भी SSC एग्ज़ाम है सारा में ये सब रिपीट बार बार हुआ है। तो 16 नंबर शब्द है एक्यूजिंग। एक्यूजिंग मतलब होता है इल्ज़ाम, है ना। एक्यूजिंग मतलब होता है इल्ज़ाम, दोष आरोपित करना, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिनाउंसिंग। डिनाउंसिंग मतलब क्या होगा, इल्ज़ाम, है ना, इल्ज़ाम। कंडेमनिंग, कंडेमनिंग मने भी होता है इल्ज़ाम, बदनाम, निंदा करना। चार्जिंग मतलब दोष आरोपित करना। विलीफाइंग, विलीफाइंग मतलब भी निंदा करना होता है, दोष आरोपित करना, इल्ज़ाम लगाना। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग मने भी दोष आरोपित करना। डिफेमिंग, डिफेमिंग मतलब निंदा करना। ये सब इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एब्सॉल्विंग। एब्सॉल्विंग मतलब मुक्त करना, बरी करना। एक्विटिंग, एक्विटिंग मतलब होता है मुक्त करना, दोष से मुक्त कर देना, एक्विटिंग। एक्सकल्पेटिंग, एक्सकल्पेटिंग, एक्सकल्पेटिंग मतलब भी होता है मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना, अपराध से मुक्त कर देना, एक्सकल्पेटिंग होता है, एक्सकल्पेटिंग, है ना, अपराध से मुक्त कर देना, एक्सकल्पेटिंग। अपलाउडिंग, अपलाउडिंग मने होता है, अपलाउडिंग मतलब होता है दोस्त से मुक्त कर देना, प्रशंसा करना। अपलाउडिंग मने होता है दोस्त से मुक्त कर देना, प्रशंसा करना। अप्रूविंग, अप्रूविंग मतलब होता है मंजूर करना, है ना, प्रशंसा करना। और कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब भी होता है प्रशंसा करना। तो ये सब इसका एंटोनिम हो गया। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्राइमोनी, एक्राइमोनी मने दुश्मनी, एक्राइमोनी मने दुश्मनी, एक्राइमोनी मने दुश्मनी। इनमाइटी मने दुश्मनी। मिलाइस मतलब दुश्मनी, ईर्ष्या। मिलाइस मने ईर्ष्या, दुश्मनी, है ना, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। एंटागोनिज, एंटागोनिज मतलब दुश्मनी, नफरत। एंटागोनिज मतलब दुश्मनी, नफरत। एनिमोसाइटी, एनिमोसाइटी मतलब भी दुश्मनी, दुश्मनी होता है। रैनकॉर, रैनकॉर मतलब भी होता है दुश्मनी, रैनकॉर मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब भी होता है दुश्मनी। बिटरनेस, बिटरनेस मतलब भी होता है दुश्मनी, तीखापन, है नफरत। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हारमोनी मने सामंजस्यता, दोस्ती। हारमोनी मने कमिटी, कमिटी मने भी दोस्ताना व्यवहार। अमिकेबिलिटी, अमिकेबिलिटी मने भी दोस्ती, अमिकेबिलिटी मने दोस्ती। अफिनिटी, अफिनिटी मतलब भी दोस्ती, आकर्षण। किनशिप, किनशिप मतलब भी दोस्ती, लव, प्यार, है ना। रैपर्ट, रैपर्ट मतलब भी दोस्ती, रैपर्ट मतलब भी दोस्ती। गुडविल, गुडविल मतलब भी दोस्ती, है ना। शुभ इच्छा रखने वाला, अच्छा सोचने वाला, है ना, अच्छा विचारक, शुभ चिंतक, गुडविल। ये सब इसका एंटोनिम हो गया। 18 नंबर शब्द है एडामेंट। एडामेंट मने जिद्दी, एडामेंट मने जिद्दी, एडामेंट मने जिद्दी। अस्टिफ, STIFF, अस्टिफ मतलब भी जिद्दी, रिजिड, कठोर, कड़ा। रिजिड, रिजिड मने कठोर, कड़ा। अनइल्डिंग, नहीं झुकने वाला। इल्ड मने झुकना होता है, अनइल्डिंग मतलब नहीं झुकने वाला, जिद्दी, कठोर, है ना। विलफुल, विचुल, विलफुल मतलब दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, विलफुल, है ना। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। अनबेंडिंग, अनबेंडिंग मतलब नहीं बेंड होने, नहीं मुड़ने वाला, जिद्दी, अनबेंडिंग। इनफ्लेक्जिबल, इनफ्लेक्जिबल मतलब होता है नहीं मुड़ने वाला, कठोर। ऑब्डुरेट, ये सब हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, फ्लेक्जिबल मतलब मुड़ जाना, लचीला, मुलायम, बात से मुड़ जाना। हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट, मुलायम। इल्डिंग मतलब झुकने वाला, लचीला। अमिनेबल, अमिनेबल, अमिनेबल मतलब भी, है ना, मिलनसार, मुलायम, सामंजस्यता कह सकते हैं, मंजूर करने वाला। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब मंजूर करने वाला। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मतलब भी होता है मंजूर करने वाला। तो ये सब एंटोनिम हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर शब्द क्या है, 19 नंबर शब्द क्या कह रहा है कि
एड्रेस, एड्रेस मने होता है संबोधन, एड्रेस मतलब होता है संबोधन, किसी को संबोधन करना, एड्रेस। स्पीच मतलब भी होता है संबोधन करना, स्पीच मतलब भी होता है संबोधन करना। ओरेशन, ओरेशन मतलब बोलना, मौखिक रूप से बोलना, ओरेशन। टॉक, टॉक मने बात, बातचीत करना, संबोधन होता है। डिस्क्लोजर, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब भी होता है संबोधन, डिस्कोर्स मतलब भी होता है संबोधन। डिसअसर्टेन, डिसअसर्टेन, डिसअसर्टेन मतलब होता है संबोधन, डिसअसर्टेन। लेक्चर, लेक्चर मने, लेक्चर मने साहित्य है ना, व्याख्याता। सेरमोन, सेरमोन मने भी संबंधित, सेरमोन मने संबोधन, सेरमोन में संबंधित। तो इसका एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या लिखा हुआ है, साइलेंस मने चुपचाप, साइलेंस मने चुपचाप। क्वाइटनेस मतलब चुपचाप। संबोधन मतलब, मतलब बोलना, कह सकते हैं कि बोलना, इशारा करना, बोलना। लेकिन साइलेंस मतलब चुपचाप, क्वाइटनेस मतलब चुपचाप, शांत, खामोश। लेकोनिज्म, लेकोनिज्म मतलब भी चुपचाप, खामोश, शांत। लेकोनिज्म मतलब। रिजर्व, रिजर्व मतलब, रिजर्व मतलब उसको रोक, चुपचाप शांत कर दिया है, एक ही याद, एक ही काम करेगा। म्यूटनेस, म्यूटनेस मतलब चुपचाप शांत कर देना, म्यूटनेस मतलब चुपचाप शांत कर देना। अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव मतलब भी क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव मतलब भी होता है चुपचाप शांति, है ना। एडहेयर, एडहेयर मतलब चिपक जाना, अड़ जाना, किसी बात के दृढ़ता रूप से पालन करना, दम। एडहेयर मतलब अड़ जाना, दृढ़ता रूप से पालन, पालन करना। अवॉइड, अवॉइड मैंने क्या होता है, अड़ जाना, अवॉइड मैंने अड़ जाना, दृढ़ता से पालन करना। स्टिक, स्टिक मतलब दम दृढ़ता से पालन करना। होल्ड, होल्ड मैंने पकड़ के रखना। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब भी पकड़ के रखना। क्लिंग, क्लिंग मतलब जुड़ जाना, अड़ जाना, जुड़ जाना। स्टैंड, स्टैंड मतलब भी जुड़ जाना। कन्फर्म, कन्फर्म मतलब भी, कन्फर्म मतलब सुनिश्चित स्वीकार, कन्फर्म मतलब सुनिश्चित स्वीकार। अफिक्स, अफिक्स मैंने भी जुड़ जाना। अटैच, अटैच मतलब भी होता है जुड़ जाना, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग। लूजेन मतलब ढीला, है ना। रिमूव मतलब हटाना, डिटैच मैंने घटाना, है ना। वे सब कह सकते हैं कि जोड़ने से संबंधित है, और ये सब दूर करने से संबंधित है। फ्री, फ्री मैंने स्वतंत्र कर देना। अनफास्टेन, अनफास्टेन मतलब होता है अलग कर देना। फास्टेनिंग मैंने जोड़ना, और अनफास्टेन मतलब अलग कर देना। डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट मैंने भी अलग कर देना। और कम ऊपर वाला जो था वो सिनोनिम था, मतलब कंप्लाई मैंने जोड़ना, क्लिंग मैंने जोड़ना, कन्फर्म मैंने जोड़ना, अफिक्स मतलब जोड़ना, ये सब दिया हुआ था सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। लिखा हुआ एडहेसिव, एडहेसिव मतलब चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। एडहेसिव मतलब चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, है ना, चिपकने वाला, आकर्षण करने वाला। अस्टिकी, अस्टिकी मतलब भी चिपकने वाला, स्टिकिंग। अस्टिकी, अस्टिकिंग मैंने चिपकने वाला। टेकी, टेकी मैंने भी चिपकने वाला। ग्लू, ग्लू मैंने भी चिपकने वाला। विसीड, विसीड मतलब भी चिपकने वाला, विसीड मतलब भी चिपकने वाला। एडहेरिंग, एडहेरिंग, एडहेरिंग मतलब भी चिपकने वाला, एडहेसिव। कोहेसिव मतलब भी चिपकने वाला, आकर्षण शक्ति। कोहेसिव मतलब आकर्षण शक्ति। गम, गम मैंने भी चिपकने वाला। ये सब इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉन एडहेसिव मतलब नहीं चिपकने वाला, नॉन स्टिकी, है ना, नॉन स्टिकी। लूज, ओपन, सेपरेट। इनविसिड, विसिड के इनविसिड, विसिड मैंने चिपकना। विस्कस, जिसे विस्कस कहते तो चिपकता। इनविस्कस मतलब नहीं चिपकने वाला, इनविसिक, डिटैच। ये सब हो गया इसका एंटोनिम। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर शब्द देखते हैं। 22 नंबर शब्द क्या कर रहा है, 22 नंबर शब्द बोल रहा है एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब निर्णय, एडजुडिकेशन मतलब निर्णय, एडजुडिकेशन मतलब निर्णय। तो मेडिटेशन, मेडिएशन, मेडिएशन, मेडिएशन मतलब भी होता है निर्णय, मेडिएशन मतलब होता है निर्णय। जजिंग, जजिंग मतलब भी होता है निर्णय, जजिंग मतलब भी होता है निर्णय। डिसीजन, डिसीजन मतलब भी होता है निर्णय, डिसीजन मतलब भी क्या होता है निर्णय। निगोसिएशन, निगोसिएशन मतलब क्या होता है निर्णय, निगोसिएशन मतलब निर्णय। जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या होता है निर्णय, जजमेंट मतलब निर्णय। प्रोनंसिमेंट,
प्रोनाउंसमेंट मतलब ये होता है निर्णय, प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है निर्णय, ठीक है। इरोस इसका एंटोनिम हो जाएगा इर रेजोल्यूशन है ना। फिर होगा डिटर्निंग भी हो जाएगा इसका एंटोनिम निर्णय के अनिर्णय। इनडिसिवनेस मतलब अनिर्णय, इनडिसिवनेस मतलब अनिर्णय। फेंस सिटिंग मतलब अनिर्णय, फेंस सिटिंग मतलब अनिर्णय। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। तो ये सब हो गया इसका एंटोनिम, इसका हो गया एंटोनिम, ठीक है। अब हम 23 नंबर शब्द देखते हैं। 23 नंबर शब्द क्या कह रहा है? 23 नंबर शब्द कह रहा है एडमायरेशन। एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो यूलॉजी मतलब भी होता है प्रशंसा, यूलॉजी मतलब भी होता है प्रशंसा, यूलॉजी मतलब भी होता है प्रशंसा। लाउड LAUD लाउड मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा होता है, लाउड मतलब भी प्रशंसा होता है। एक्नॉलेजमेंट बने विश्वास, प्रशंसा। एक्नॉलेजमेंट बने विश्वास, प्रशंसा। अप्रिसिएशन मतलब भी प्रशंसा। अपलाउड मतलब भी प्रशंसा। अप्रूबेशन मतलब प्रशंसा। अप्रेज मतलब प्रशंसा। कमेंड बने प्रशंसा। ये सब प्रशंसा के सिनोनिम है। तो प्रशंसा के क्या हो जाएगा उल्टा एंटोनिम? निंदा करना। तो सेंसियोर मने निंदा करना, कंडेम्ड मने निंदा करना, डिनाउंस मने निंदा करना, ब्लास्ट मने निंदा करना, डिस्परेज मने निंदा करना, डिस्परेज मने निंदा करना। लंबास्टिक मतलब निंदा करना, लंबास्टिक मतलब निंदा करना। अरैन मतलब निंदा करना। पाइलोरी मतलब भी निंदा करना। ये सब निंदा करना के एंटोनिम हो गया, ठीक है। तो 24 नंबर देखते हैं एडमोनिस। एडमोनिस मने आलोचना करना, एडमोनिस मने आलोचना करना। लंबास्टी मने भी आलोचना करना, निंदा करना। लंबास्टी मने भी आलोचना करना, निंदा करना। विराट मने आलोचना करना, निंदा करना। अपब्रेड मतलब आलोचना करना, निंदा करना। अपब्रेड मने आलोचना करना, निंदा करना। चाइड मने डांटना, चाइड मने डांटना, निंदा करना। रिप्रूव मने भी निंदा करना, रिप्रूव मतलब निंदा करना। रिप्रोच मतलब निंदा करना, रिप्रोच मने निंदा करना। रिप्रीमाइंड मने डांटना फटकारना, रिप्रीमाइंड मने डांटना फटकारना। चेस्टाइज मने डांटना फटकारना, निंदा करना। प्रेज मने प्रशंसा, इसका उल्टा हो जाएगा प्रेज मने प्रशंसा, ठीक है। रिवार्ड मने प्रशंसा। अपलाउड मने प्रशंसा। अक्लाइम मने प्रशंसा। अक्लाइम मतलब प्रशंसा, जय जयकार करना, प्रशंसा करना। अपलाउड मने भी जय जयकार करना, प्रशंसा करना। एक्सटोल मने प्रशंसा करना। यूलोजाइज मने प्रशंसा करना, यूलोजाइज मने प्रशंसा करना। चीयर मने प्रशंसा करना, खुशी मनाना। चीयर मने प्रशंसा करना, खुशी मनाना। एक्साल्ट मने प्रशंसा करना, खुशी मनाना। प्रतिष्ठित एक्साल्ट मने प्रशंसा करना, खुशी मनाना। एडोर मने भी क्या होता है? प्रशंसा करना, खुशी मनाना, ठीक है। 25 नंबर शब्द एडोर मने पसंद करना, सजाना, ये भी कह सकते हैं पसंद करना। अडोर मने पसंद करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा लाइक मने पसंद करना। लव मने पसंद करना। रेस्पेक्ट मने आदर देना। चार्म मतलब आकर्षित करना। अक्लाइम मतलब भी प्रशंसा करना। कीन मने भी प्रशंसा करना। कीन मने भी प्रशंसा करना, पसंद करना। अडमायर मने प्रशंसा करना, पसंद करना। रिलाइस मने प्रशंसा करना। इंजॉय मने भी प्रशंसा करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम नफरत करना। डिस्पाइज मने नफरत करना, DESPISE डिस्पाइज मने नफरत करना।
हेट मने नफरत करना, डिटेस्ट मने नफरत करना, डिटेस्ट मने नफरत करना, एबोमिनेट मने नफरत करना, एबोमिनेट मने नफरत करना, डिसरेंज है ना डिस, या उसके बाद क्या हुआ डिसरेलिस, रेलिस मने प्रशंसा करना, डिसरेलिस, डिसरेलिस मने नापसंद करना, नफरत करना, डिसरेलिस मने नफरत करना, रेलिस मने पसंद करना, डिसरेलिस, डिसरेलिस मतलब नफरत करना, घृणा करना, डिसरेलिस मने घृणा करना, डिसरेलिस मने घृणा करना, डिसफेवर मतलब घृणा करना, डिसफेवर मतलब घृणा करना, नफरत करना, डिसफेवर मतलब नफरत करना, रिपेल, रिपेल मने विकर्षित होना, घृणा करना, लोथे, एबहोर, ये सब क्या हो गया नफरत करना के सिनोनिम, ठीक है, सॉरी एंटोनिम हो गया। एडल्टरेशन, एडल्टरेशन मतलब मिलावट, एडल्टरेशन मतलब मिलावट, एडल्टरेशन मतलब मिलावट। अलाउड, अलाउड मने भी मिलावट। डिफाइलमेंट, डिफाइलमेंट मने मिलावट, डिफाइलमेंट मने मिलावट। सलिंग, सलिंग मने भी मिलावट, सलिंग मने मिलावट। रेनिंग, रेनिंग मने बर्बाद करना, रेनिंग मने बर्बाद करना, मिला करके ख़राब कर देना। करप्शन, करप्शन मने भ्रष्टाचार मतलब मिलावट, करप्शन मने भ्रष्टाचार मतलब मिलावट। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मने गंदा। टार्निश, टार्निश मने भी मिलावट, गंदा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध, शुद्ध मिलावट हो गया, गंदा हो गया, प्यूरिफिकेशन मने शुद्ध हो गया। प्यूरिटी, प्यूरिटी मने शुद्धता। अस्टेरिलिटी मने बंजर, बंजर भूमि। क्लीन लाइनेस, क्लीन लाइनेस मतलब साफ सुथरा, क्लीन लाइनेस मने साफ सुथरा, साफ सुथरा। रिमेडिएशन, रिमेडिएशन मतलब साफ सुथरा, रिमेडिएशन मने साफ सुथरा, रिमेडिएशन मतलब साफ सुथरा। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मने भी साफ सुथरा था, कंजर्वेशन मतलब साफ सुथरा, ठीक है। तो अगला मीनिंग 27 नंबर मीनिंग देखते हैं, 27 नंबर मीनिंग क्या कर रहा है, 27 नंबर मीनिंग बोल रहा है यहाँ पर ही, 27 नंबर मीनिंग बोल रहा है एडवेंट, एडवेंट मने होता आगमन शुरुआत, एडवेंट मने आगमन शुरुआत। इनिशिएशन मने शुरुआत, अराइवल मने शुरुआत, स्टार्ट मने शुरुआत, बिगनिंग मतलब शुरुआत, इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत, इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत, ओपनिंग मने शुरुआत, लॉन्च मने शुरुआत, कमेंस मने शुरुआत, ये सब शुरुआत का मीनिंग है। इनिशिएशन, इम्बार्क, बिगनिंग, इंट्रोडक्शन, अराइवल, लिमिटेशन, ये सब शुरुआत के सिनोनिम है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा डिपार्चर, डिपार्चर मने क्या होता है, डिपार्चर मने प्रस्थान। डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मने, डिसअपियरेंस मने गायब हो जाना, प्रस्थान कर जाना। डिकैम्पेंट, डिकैम्पेंट, डिकैम्पमेंट, 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 डिकैम्पमेंट मने, डिकैम्पमेंट मने प्रस्थान करना, डिकैम्पमेंट मने प्रस्थान करना। एग्जिट मने निकास। फेयरवेल मने भी विदाई, प्रस्थान करना, फेयरवेल मने विदाई। एग्जिट मने निकास। गोइंग मने जाना, पार्टिंग मने भी जाना, पार्टिंग मने भी जाना, ये सब इसका सिनोनिम हो गया। अभी क्या उल्टा हो गया, अब बोला 28 नंबर क्वेश्चन। एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब साहसी होता है, एडवेंचरस मतलब साहसी, ए डी वी एन टी यू आर ओ यू एस, एडवेंचरस मतलब साहसी। डेयरिंग, डेयरिंग मने साहसी, डेयरिंग मने साहसी। बोल्ड मने साहसी, बोल्ड मने साहसी। रिस्क मतलब भी साहसी, रिस्की मने साहसी। हेरोइक, हेरोइक मने भी साहसी। इंट्रीफीड, इंट्रीफीड, इंट्रीफीड मने साहसी, इंट्रीफीड मने साहसी, इंट्रीफीड मने साहसी। थ्रीलिंग, थ्रीलिंग मने साहसी, थ्रीलिंग मतलब साहसी। गॉलेंट, गॉलेंट, गॉलेंट मने भी प्राकर्मी, साहसी। ऑडेशियस, ऑडेशियस मने भी साहसी। वालियंट, वालियंट मने भी साहसी, वालियंट मने साहसी, ठीक है। ये सब साहसी के मीनिंग हो गया, साहसी के मीनिंग हो गया। अफ्रैड, अफ्रैड मने भयभीत। अस्केयर्ड, अस्केयर्ड मने भी डरा हुआ, भयभीत। अघास्ट, अघास्ट मने भयभीत, ए जी एच ए एस टी, अघास्ट, अघास्ट मने भयभीत। अलार्म्ड, अलार्म मने सचेत कर देना, भयभीत, डरा हुआ। अलार्म मने सावधान, डरा हुआ। अलार्म मने सावधान, डरा हुआ। अघास्ट मने भी डरा हुआ। फियरफुल, फियरफुल मने भी डरा हुआ। फ्राइटेनेड, फ्राइटेनेड मने डरा हुआ, फ्राइटेनेड मने डरा हुआ। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मने भयंकर,
हॉरीफाइड मैंने भयंकर, टेरीफाइड, टेरीफाइड मैंने अभी डरा हुआ, टेरीफाइड हॉरीफाइड मैंने डरा हुआ, फ्राइटेंड मैंने डरा हुआ, फियरफुल, अलार्म, अघास्ट, ये सब मतलब डरा हुआ होता है। एडवर्सरी, एडवर्सरी मैंने विरोधी, एडवर्सरी मैंने विरोधी, एडवर्सरी मैंने विरोधी, एडवर्सरी मतलब विरोधी। तो चैलेंजर, चैलेंजर मतलब क्या होता है, चैलेंजर मतलब होता है विरोधी, चैलेंजर मतलब विरोधी। इनिमी मैंने दुश्मनी, राइवल, राइवल मतलब भी दुश्मनी। फो मैंने दुश्मनी, राइवल मैंने दुश्मनी, या फोई फो मैंने भी दुश्मनी, फो या फोई फो, फो मैंने दुश्मनी, फो मैंने दुश्मनी। निमेसिस यानी यम ई एस आई एस, निमेसिस, निमेसिस मैंने दुश्मनी, निवेश, निमेसिस मैंने दुश्मनी, यन ई एम ई एस आई एस, निमेश, निमेसिस मैंने दुश्मनी। कम्बाइटेंट, कम्बाइटेंट, कम्बाटेंट मैंने दुश्मनी, कम्बाटेंट मैंने दुश्मनी। हॉस्टाइल मैंने दुश्मनी, हॉस्टाइल मैंने दुश्मनी। अपोनेंट, अपोनेंट मैंने दुश्मनी, अपोनेंट मैंने दुश्मनी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अलाय, अलाय मैंने दोस्ती, संधि। ऑलियंस मैंने संधि, सपोर्टर मैंने संधि। एडवोकेट, एडवोकेट मैंने वकील, वकील भी क्या करता, संगम करा देता, मिलन करा देता है एडवोकेट। चैम्पियन, चैम्पियन मैंने संधि। डिफेंडर मैंने रक्षा करने वाला, जोड़ने वाला। फ्रेंड मैंने दोस्त। संरक्षक, पैट्रोन मैंने संरक्षक, पैट्रोन मैंने संरक्षक, रक्षा करने वाला, हेल्पर, संधि करने वाला है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने, धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज।